तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेम्स वर्ल्ड में। दोस्तों आपने अब से पहले भी हमारे बहुत सारे वीडियो देखे हैं और आने वाले समय में ऐसे ही आप अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे वीडियो देखते रहेंगे। दोस्तों आज हमारा टॉपिक्स है कि आप डायमंड्स को कैसे पहचान सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में जाना था कि आप स्क्रैच टेस्ट से या फिर डायमंड सेलेक्टर सेकंड के ज़रिए पहचान सकते हैं, लेकिन दोस्तों एक और टॉपिक है जिसके ज़रिए आप डायमंड्स को पहचान सकते हो। हम डायमंड्स को सेप के ज़रिए पहचानेंगे रफ डायमंड्स को कि वो डायमंड्स है या कौन सा अदर स्टोन है। दोस्तों रफ डायमंड के कुछ गिने चुने सेप होते हैं जिनमें कुछ सेप की हम बात करेंगे। आप वो सेप देख के डायमंड्स को पहचान सकते हो कि वो डायमंड्स हैं या फिर अदर स्टोन्स हैं। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि जेम स्टोन से रिलेटेड जो आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर मिलती है आपको और कहीं भी नहीं मिलती है। दोस्तों वैसे तो प्रकृति ने हमें डायमंड्स को बहुत सारे सेप में दिया है, लेकिन हम उन्हीं सेप्स के बारे में बात करेंगे जिन सेप में डायमंड सबसे ज़्यादा मिलते हैं, यानी कि 70% डायमंड अधिकतर इन्हीं सेपों में मिलते हैं। तो चलो दोस्तों बिना रुके हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेप से। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों अपना पहला सेप है ऑक्टाहेड्रॉन, यानी कि अष्टफलक। दोस्तों ये एक ऐसा सेप है जिनमें डायमंड सबसे ज़्यादा इसी सेप में देखने को मिलता है। रफ स्टोन में सबसे ज़्यादा इसी सेप में हमें रफ डायमंड मिलता है जिसको ऑक्टाहेड्रॉन बोलते हैं, यानी कि अष्टफलक। दोस्तों आप इसको जब देखोगे तो देखने पे आपको ये ऊपर से चार भुजा और नीचे से चार कोण में देखने को मिलेगा, तो ये टोटल मिला के अष्टकोण बनाता है। दोस्तों तो सबसे ज़्यादा सेप में मिलने वाला यही स्टोन होता है, यही डायमंड होता है, जो अपनी प्रकृति में मिलने वाले डायमंड्स में से 50% डायमंड्स इसी सेप में मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं बात करूँ मोजोनाइट डायमंड की तो वो भी अधिकतर इसी सेप में मिलता है, लेकिन ये तो आप जानते हैं कि जो मोजोनाइट होता है वो डायमंड्स की हार्डनेस से बहुत कम होता है, 9.25 हार्डनेस उसकी आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये है ऑक्टाहेड्रॉन शेप। दोस्तों इसी के जैसे दिखने वाली क्वार्ट्स की भी सेप होती है, लेकिन दोस्तों वो 4 कोण में नहीं होता है, वो 6 कोण में होता है, हम बात करेंगे उस पर भी। ये देखिए दोस्तों ये डायमंड जो है ऑक्टाहेड्रॉन ये 4 कोण सेप में है और आप कंपैरिजन कर सकते हैं क्वार्ट्ज स्टोन से। आप क्वार्ट्स को देखेंगे तो 6 साइड कोण बना रहा है। दोस्तों मैं सिंपल तरीके से बात कर रहा हूँ ताकि आप दोस्तों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो दोस्तों क्वार्ट्ज जो स्टोन जो होता है उसको 6 कोण होते हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं इसमें 6 साइड बन रहा है, और डायमंड जो होता है उसमें 4 कोण बनते हैं। आप फोटो में आप देख सकते हैं क्वार्ट्ज और डायमंड्स में क्या अंतर है। तो दोस्तों ये था अपना ऑक्टाहेड्रॉन शेप। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे शेप यानी कि डोडेकाहेड्रॉन शेप की तरफ। हाँ दोस्तों दूसरा ये शेप है जो डायमंड्स में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला सेप है। डायमंड्स इस सेप में भी बहुत मात्रा में मिलते हैं। तो दोस्तों ये अपना दूसरा सेप है। दोस्तों उसमें और इसमें आप अंतर देख सकते हो। दोस्तों डोडेकाहेड्रॉन का अर्थ निकलता है द्वारदश फलक, यानी कि 12 फलकों का स्टोन। हाँ दोस्तों इसमें 12 फलक देखने को मिलते हैं, 12 फलकों में देखने को मिलता है ये स्टोन। और अब आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे स्टोन की तरफ, रेम्बो डोडेकाहेड्रॉन स्टोन। दोस्तों ये जो होता है स्टोन ये समचतुर्भुज की आकृति में होता है, यानी कि इसकी जो भुजाएं होती हैं आप कहीं से भी देख लो समान रूप से आपको दिखाई पड़ेंगी। तो दोस्तों ये था अपना तीसरा शेप। दोस्तों इस शेप में डायमंड्स की विपरीत भुजाएं और विपरीत कोण समांतर होते हैं। एम दोस्तों रेम्बस में सभी भुजाओं की लंबाई समरूप होती है, समान होती है। और इसी के साथ में हम आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे शेप क्यूब शेप की तरफ। हाँ दोस्तों ये डायमंड्स में देखे जाने वाला बहुतायत शेप है, जो बहुतायत मात्रा में इसी शेप में भी डायमंड्स देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप इसको घन आकृति भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी सभी 6 भुजाएँ समान रूप से देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों ये था अपना चौथा शेप।
दोस्तों यही कुछ शेप्स थे जो मैंने आपको बताया है। डायमंड्स जो होते हैं इन्हीं शेप्स में रफ डायमंड ज़्यादा देखने को मिलते हैं दोस्तों। और दोस्तों ये था अपना शेप देख के डायमंड्स को पहचानने का तरीका। और हमने एक वीडियो पहले भी बना रखी है जिसमें आप स्क्रैच टेस्ट से और डायमंड सेलेक्टर सेकंड के ज़रिए आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, आप लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप भी अपने स्टोन्स की ऑनलाइन जांच करवाना चाहते हैं घर बैठे फ़ोटो या वीडियो के ज़रिए, तो आप दिए गए ये नंबर पे, डिस्प्ले पे दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप से बात कर सकते हैं। और आपको करना कुछ नहीं है, आपको बस अपने स्टोन्स का वीडियो लेना है या फिर एक क्लियर फ़ोटो लेना है और हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर देना है। हमने इसका एक छोटा सा शुल्क रखा है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आप टेस्टिंग करवा सकते हैं चाहें तो, इसमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आपकी मर्ज़ी की बात है। पर दोस्तों डायमंड रखने की चाह किसको नहीं होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं डायमंड जो होता है एक बेस कीमती रत्न होता है, तो डायमंड रखने की इच्छा तो सभी की होती है। लेकिन आप दोस्त स्टोन कलेक्शन तो कर लेते हैं लेकिन आपको मालूम नहीं होता है कि कौन सा स्टोन है, तो बस उसी के लिए हमने एक छोटा सा प्रयास किया है। हमसे काफ़ी सारे दोस्तों ने टेस्टिंग करवाई भी है, हज़ारों दोस्तों ने हमसे टेस्टिंग करवाई भी है और काफ़ी दोस्तों की किस्मत बनी भी है, क्योंकि उनको मालूम तो नहीं था कि कौन सा स्टोन है लेकिन जब टेस्टिंग करवाई तो उनको मालूम चला कि हमारे पास इतना बेस कीमती स्टोन मौजूद है। तो दोस्तों मेरी यही गुजारिश आपसे, आप कहीं भी भले, मैं ये नहीं कहता कि मेरे से टेस्टिंग कराओ, आप कहीं भी अगर आपके पास स्टोन है तो आप टेस्टिंग ज़रूर करवाएं, उनको यूं ही नहीं फेंक दें। हो सकता है आपकी किस्मत भी अच्छी हो, आपके पास भी कोई कॉस्टली स्टोन निकल आए, तो स्टोन कलेक्शन करते हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी टेस्टिंग देखो आप करवानी ही पड़ेगी आपको। अगर आप जानना चाहते हैं, आपको नॉलेज नहीं है कि वो स्टोन कौन सा है, अगर आपको नॉलेज है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है तो लैब टेस्टिंग ही सबसे बेस्ट जरिया होता है। बाकी आप इधर इसको दिखाओगे उसको दिखाओगे आपको कोई भी सही रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि जो जानता होगा, जो जिमोलॉजिस्ट होगा, वही आपकी सही मायने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों अगर आप चाहो तो दिए गए नंबर पे हमसे व्हाट्सएप पे बात कर सकते हो, आप चाहो तो स्टोन टेस्टिंग करवा सकते हो, और हम कोशिश करते हैं पूरी मदद करने की, और हम कोशिश नहीं जहाँ तक होती हम पूरी मदद करते हैं। कुछ स्टोन्स ऐसे होते हैं जिनको फोटो या वीडियो से देख के बता पाना मुश्किल हो जाता है, तो हम ऐसे स्टोन्स के लिए उनको बोल देते हैं भैया तो आप हमें कुरियर कर दो या आप हमारे लैब में लेके आ जाओ, फोटो या वीडियो से इसकी टेस्टिंग नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशंस में हम कस्टमर्स को सीधा बता देते हैं। और रही बात इसमें फ्रॉड था कि, तो बहुत से यूट्यूब पर बहुत से लोग हैं जो आजकल फ्रॉड कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों से सावधान रहें। और हमें कोई आपत्ति नहीं है भाई, हम जो हैं अपने पर्सनल नंबर आपको शेयर करते हैं हम दोस्तों की मदद के लिए, तो आप चाहो तो टेस्टिंग करवा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपका कोई सजेशन हो तो आप भी हमें बताएं, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर आप जेमस्टोन से रिलेटेड किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखो आप ही हमारी उम्मीद हो दोस्तों, और आप ही के सहारे के लिए, आप ही की मदद के लिए ये वीडियोस अपलोड करता हूँ मैं यूट्यूब पर। अगर आप हमें बताओगे कि सर हमें इस मैटर पे वीडियो चाहिए तो मैं कोशिश करूँगा उस मैटर पर आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊँ। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी मदद हो, आप दिए गए नंबर पर हमसे बात कर सकते हैं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, जय हिंद दोस्तों।